पहले तो मुखिया जी जीत की बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने पंचायत से जीत हासिल की है, क्या बताना चाहेंगे सर? हम पिछला जगह पंचायत प्रतिनिधि के, पिछला जगह पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं जी, संजू देवी यहाँ के मुखिया हैं जी, हम उनके पति मुखिया प्रतिनिधि हैं जी, और मैं यहाँ पिछला जगह के जनता को आभार प्रकट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, जिन्होंने अपार हर्ष उल्लास के साथ हमें मतदान जा करके मतदान केंद्र पर किया और हमें विजयी बनाया, और उनके सपनों को साकार करना है हमें जी। 15 साल से यहाँ बिजला जंगल में आज गली गली पर ही राजनीति होते आ रहा है, कोई काम आगे विकास बढ़ा नहीं है जी। उस विकास को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि नली गली के काम समाप्त करके नौजवानों को आगे की रोजगार के बारे में सोचा जाए, यही हमारी। तो मुखिया जी आपने क्या सोचा है, आपने अपने पंचायत के शिक्षा के लिए सर क्या सोचा है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था जी, मतलब कि जो देहाती क्षेत्र है सिलाई बुनाई कढ़ाई बुनाई जो चाहती है लड़की करने के लिए जी, उनको यो चीज करेंगे, और पढ़ाई के क्षेत्र में स्कूल की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना है जी, जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं बच्चे उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है फ्री ऑफ कॉस्ट हमको करना है जी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के योजना है, उसको धरातल पर हमें साफ स्पष्ट दिखाई दिलवा देना है। मुखिया जी अपने पंचायत के युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? जो जिस क्षेत्र में है उसमें उसको हमको आगे बढ़ाना है जी, जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे है, जो खेल कूद के क्षेत्र में आगे है, वैसा जो जिसको जिस जो भावना है उसको हमको बहुत आगे बढ़ाना है। तो मुखिया जी अपने अब पंचायत वासियों को क्या संदेश देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबको सेटिस्फाइड करना चाह रहे हैं जी, जिस स्नेह से, और जो हमें यहाँ मत दे के जिताई है उनको, जो हमें भरोसा करके जी, जिस कार्य के लिए करने के लिए हमको चुना गया है जी, उस कार्य में हम सफल हों जी, हम ईश्वर से यही कामना करते। जैसा कि आपने देखा ये पिछला जंगल महल के मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितना भी संभव प्रयास हो सके अपने पंचायत के विकास के लिए हम करेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हमारे पंचायत में राजनीति सिर्फ नली गली पे हुई है, ना कि कोई शिक्षा ना स्वास्थ्य कोई विषय पर अभी तक कोई जानकारी इन्होंने बताया कि अभी हमारे पंचायत में नहीं हो पाया है बढ़िया से। इनका कहना है कि जो भी सरकार की योजनाएं आएगी सरकार की तरफ से वो मैं पूरा करूंगा और अपने पंचायत के लोगों का पूरा विकास करने का संभव प्रयास करूंगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पन के साथ, धन्यवाद।